मधुबनी पुलिस ने निजी बैंक कर्मी से लूट मामले का किया खुलासा। दो लुटेरा को दबोचा। खजौली थाना के एकडारा कोसी नहर के पास निजी बैंक कर्मी से 1.44 लाख रुपया लूट मामले का पुलिस ने घटना के 24 घंटा के भीतर किया उद्भेदन। घटना में संलिप्त मास्टरमाइंड सहित दो अपराधी को पुलिस ने कुवाड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों की पहचान कुवाड़गांव निवासी भोला यादव और अजीत यादव के रूप में हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर राजकिशोर राम ने कहा, माइक्रो फाइनेंस कर्मी अपने सहयोगी के साथ कलेक्शन कर लौट रहे थे, इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तकनीकी सेल की सहयोग से कुवाड़गांव में छापेमारी कर दो अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। भोला यादव मास्टरमाइंड है, इस पर कई थानों में आपराधिक केस दर्ज है, कई बार जेल जा चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों से लूट का 1,03,000 रुपया, दो बाइक, दो मोबाइल बरामद की है। पुलिस फरार दो और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लूट के कांड में दोनों अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। दिनांक 2/6/21 की शाम 6 बजे के करीब एकडारा नहर पुल के पास L&T फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ 1,44,200 रुपया लूट की थी। घटना में चार अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा कार्य की गई थी, जिसमें से दो अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। अजीत यादव पेशर बवेलाल यादव उर्फ भालू मास्टर, दूसरा है भोला यादव पेशर कामेश्वर यादव, दोनों तहसील कुवाड़ थाना जयनगर जिला मधुबनी। सर, दोनों अपराधी को कहाँ से गिरफ्तार किए? कुवाड़ से। बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त यामाहा FZS मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर आई स्मार्ट मोटरसाइकिल, दो मोबाइल, अभियुक्त का लूटी गई दोनों बैग, बादी का मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासबुक, कुल 1,03,000 रुपया बरामद किया है। इसमें भोला यादव का पहले से आपराधिक इतिहास है। कहाँ दोनों इससे पूर्व क्या इतिहास था इनका? सर, राजनगर के लूटकांड में जेल गए हुए हैं जी, अजयनगर में भी। भोला यादव पेशेवर अपराधी है? भोला यादव पेशेवर अपराधी है। दोनों अपराधी हुआ था 6 बजे। घटना में शामिल अन्य दोनों अपराधी के बारे में कुछ लोकेशन? सर, फरार हैं अभी जी, छापेमारी जारी है, तलाश जारी है उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए।